जानकारी लेकर आई हूँ आप सभी लोगों का स्पेशल प्रोग्राम और इस बार जिक्र करने वाले हैं वाई चीट इंडिया। जी हाँ, आप लोगों को मालूम है इमरान हाशमी के प्रोडक्शन में बनी और इमरान हाशमी खुद इस फिल्म में एक्ट भी कर रहे हैं और पहले इस फिल्म का नाम था चीट इंडिया, जिसे अब उस नाम को बदल कर वाई चीट इंडिया कर दिया गया है। ये फिल्म बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। हालांकि ये फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी लेकिन इसका जो डेट है वो बदल दिया गया और चीट इंडिया को लेकर के हर कोई सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे पर आधारित फिल्म है जो वाकई में जमीनी स्तर पर आज भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जी हाँ, बात यहाँ हो रही है एजुकेशन को लेकर, वो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट को लेकर जहाँ से देश के भविष्य की नींव शुरू होती है। लेकिन इस पर खुद इमरान हाशमी क्या सोचते हैं और किस तरह से अपने एक खास इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने सरकार पर तंज कसा है एजुकेशन को लेकर के, किस तरह से उन्होंने सरकार को लेकर के बातें अपनी रखी हैं बहुत मीठे बोल के साथ, चलिए दिखाते हैं इस वीडियो के जरिए। बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मैं तो करने वाली हूँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं जाके फ्राइडे में जो हर शो है चीट इंडिया का, हम टिकट्स बुक करने वाले हैं और जो सिंगल स्क्रीन में हम करते थे ना, वो टिकट्स फाड़ के डांस करना, वो मैं करने वाली हूँ। अगर आपको थिएटर में कोई रोना सुनाई दे या कोई नाचना गाना सब सुनाई दे, वो सब मेरे फैमिली के मेम्बर्स होंगे, मेरे फ्रेंड्स ऑब्वियसली। अगर ये बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही रेलिवेंट मुद्दे पर बना हुआ है फिल्म, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है और इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग कि हम आईना दिखा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे, तो ताकि स्टूडेंट्स देख सके और टीचर्स देख सके और फैमिलीज देख सके कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और ये अभी भी हो रहा है एंड इट्स नॉट लाइक इट्स गेटिंग सॉल्व्ड एनी टाइम सून। तो हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट हमें वो टैक्स फ्री जो सर्टिफिकेट मिल जाए तो बहुत सारे लोग भी देख पाएंगे, बहुत सारे बच्चे भी देख पाएंगे, तो वी जेन्युइनली होप दैट वी गेट इट। मैं ज़्यादा एकेडमिक नहीं था स्कूल कॉलेज में, लेकिन मैं कभी फेल नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इसी बात का एक तरह से अफसोस है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर है कि हाँ, मैं मार्क्स लेके आता था 65-70% एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अल्टीमेटली जो सीखा था मैंने स्कूल में वो इतना मुझे उस चीज़ की बेनिफिट नहीं मिली बाद में। और ये हम सब देखते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं स्कूल कॉलेज में, आप बस रट्टा मार रहे हो। आगे जाके जब आप नौकरी ढूंढते हो तो ना तो आपके स्कूल सिस्टम ने आपको कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग दी है कि आप आगे जाके क्या बनोगे। जैसे मैंने 5 साल गवा दिए कॉमर्स में, मुझे जाना चाहिए था आर्ट्स में, लेकिन मेरे स्कूल सिस्टम ने मुझे कभी वो दिशा दिखाई नहीं कि मुझे आर्ट्स में जाना चाहिए था, तो ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मज़े नहीं लिए स्कूल के दिन और कॉलेज में, बस यही था कि पढ़ाई थोड़ी और अच्छी हो जाए। फैकल्टीज़ जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर यू नो कभी कभी डिसइंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो क्लास में भी नहीं आते थे, जिनके क्वालिफिकेशंस नहीं थे, ये सब ठीक हो जाए ना तो वो सिस्टम जो है वो एक्सपीरियंस है मज़ेदार हो जाएगा। डेफिनेटली आई थिंक सरकार को पहले इस सेक्टर में ज़्यादा पैसे डालने चाहिए। 2.9% GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कोई भी देश में जब आपने देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म आया हो तो 7% मिनिमम उन्होंने सेक्टर में डाला है। तो आप देख लीजिए ना हमारा पॉपुलेशन क्या है, इतना पॉपुलेशन है और आपने सिर्फ 2.9% डाला है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस सेक्टर में। कुछ देशों ने तो 25% तक को लेके गए हैं और एक पूरा चेंज वो लेके आए इस सेक्टर में, तो वो एक चीज़ है। लेकिन सिर्फ पैसा ही वो बात उस पर आके ख़त्म नहीं होती है, पैसा सही जगह जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पैसे डालते हैं फिर करप्शन की वजह से कहीं और ही बढ़ जाए वो सारी चीज़ें, तो वो एक चीज़ है। और फिर यही चीज़ें हैं, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस, गवर्नमेंट के बहुत सारे रिफॉर्म्स। आप देख लीजिए कि 60% अभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोटा में दिया गया है, 60%, ये ठीक है, लेकिन आपको जो 40% रह गया है उसमें से अगर इतने ये जो चीटिंग माफिया हैं ये स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांट रहे हैं, तो मेरिट वाले स्टूडेंट्स जो बेचारे मेहनत करके आ रहे हैं उनको कितना परसेंट मिल रहा है सिस्टम में, शायद बहुत कम। इमरान, इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारी
नॉलेजेबल बातें की एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो आपको अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और इस चीज के ऊपर कितना रिसर्च किया आपने? और इसके अलावा अभी जो है जो रिजर्वेशन के ऊपर बातें चल रही है, मैंने डायरेक्टर ने हम सब ने मिलकर एजुकेशन सिस्टम जो इसके लूप होल्स हैं, जिस तरह चीटिंग माफिया फंक्शन होती है, यूपी से कुछ लोगों से मिलकर फ़ोन पे बात करके पता चला कि ये तो बहुत प्रेवलेंट है अलग अलग स्टेट्स में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, यूपी, एमपी, राजस्थान, कोटा में तो इतने सुसाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स के स्ट्रेस की वजह से, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ये मेरा रिसर्च था। और फिर कैरेक्टर में इमेजिनेशन से फिक्शनल कैरेक्टर है, और परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत जो है होता है ना कि एक इमेजिनेशन के ज़रिए आप उस कैरेक्टर को फॉर्म करते हैं, अलग अलग लोगों से आप जो मिलते हो वहाँ से थोड़ा बहुत लेकर मैंने इस कैरेक्टर में डाला है, तो वैसे ही बना है राकेश सिंह। हाँ, इसलिए मैंने उसको वो खुद मैंने उनको वो उस बोर्ड में नहीं डाला जिसमें मैंने पढ़ा था, तो मैंने 10 साल गवा दिए उस बोर्ड में, मैंने उनको एक दूसरे बोर्ड में डाला है जहाँ पे एक ओवरऑल डेवलपमेंट है। इमरान और बाकी सब लोग आपसे थोड़े से पहले एजुकेशन सिस्टम के, आपके जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओगे, आपका कैसा अनुभव रहा है, या मतलब वही है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन हैज़न्ट चेंज्ड। एजुकेशन सिस्टम वैसा का वैसा ही है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, हमारे जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो हमारे थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट था रेडियो एंड टेलीविजन, तो हमें सिखाया जा रहा था अबाउट CRT TVs जो बड़े से है हमारे पेरेंट्स के ज़माने के, और जो बाहर डेवलप हो रहा था वो LED LCD वो थिन स्लिम TV के बारे में, तो जॉब हमें उसके बारे में करना है। पर हाँ वही तो ना, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर सिखाया जाए कुछ और है एक ज़माने का, और जो बन रहा है बाहर वो कुछ और है, तो देर इज़ नो लाइक कोइंसिडेंस, देर इज़ नो कोरिलेशन। और फिर हम प्रिपेयर्ड भी नहीं है, फ्यूचर रेडी नहीं है, हमारा सिलेबस आउटडेटेड है, तो हम कैसे प्रिपेयर्ड होंगे यार, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इज़ सो R&D नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तो फिर क्या है? वेरी मच नहीं मिला क्योंकि क्या है ना कि हम थोड़े क्रिटिकल हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, इसलिए हमने नाम लिखा है चीट इंडिया, जो बदल चुका है बाय चीट इंडिया, तो जिस तरह चीटिंग माफिया हमारे देश को चीट करती है, इसलिए हमने ये नाम लिखा है। और हमारे कुछ पॉइंटर्स थे जो अपने रिसर्च करने के बाद हमें लगा कि हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो हमें हमसे मिले नहीं दिल्ली में। एक हफ्ते पहले हमने चेंज किया है सब जी, ये ऑब्वियसली क्योंकि यू नो लास्ट वीक पे हमारी एनर्जीज जो है इस चीज़ में जाती हैं, जहाँ पे आप फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, डिलीवरीज, अभी हम बैठ के पोस्टर्स और कम्युनिकेशन चेंज कर रहे हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और ये थोड़ी अजीब बात थी क्योंकि ये चीट इंडिया जो है पिछले एक महीने से टेलीविजन में चल रही है, प्रोमोस पास हो चुके थे, तो सडनली लास्ट एंड वक्त पे उन्होंने चेंज कर दिया। तो वही इमेज जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं नहीं था, इनकी बात मत सुनेगा। माय फर्स्ट इंप्रेशन सच्ची में मुझे लगा कि यार इमरान हाशमी का फिल्म है, मैं भी होंगी ना, मेरे गाने अच्छे होंगे, दिस वाज माय फर्स्ट थॉट। एंड मैं हमेशा मानती थी कि ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, और ये किरदार जो निभा रहे हैं इस फिल्म में ये बहुत ही अलग किस्म का है, पहले आपने नहीं देखा है इस अवतार में, टीका लगा के चश्मा लगा के, इट्स वेरी डिफरेंट। तो आपको पता चलेगा आपको फिल्म देखने के बाद कि ये परफेक्ट क्यों है इस रोल के लिए, क्योंकि जो ड्यूअलिटी दिखाई है हमने फिल्म में इनके कैरेक्टर में, कि वो बाहर से बहुत शरीफ दिख रहे हैं पर है नहीं, तो इससे बेहतर कोई और प्ले नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम इमरान हाशमी। है ना इस फिल्म में, इस फिल्म में भी है ना, गाने में है ना, गाने और पर्टिकुलर जिस तरह से आप करते थे। हाँ, मींस कुछ चीजें हैं जिससे लोग खुश हो जाएंगे।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस जो हम बदल चुके हैं इस फिल्म में, एक अलग कैरेक्टर जो मैंने कभी प्ले नहीं किया है, ये इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि कुछ और, हमेशा कुछ और ऑडियंस को पेश करूँ, कुछ अलग पेश करूँ, वैरायटी ऑफ रोल्स पेश करूँ, ना कि वो सेम घिसी पिटी बात बार बार। तो जो टोनैलिटी है फिल्म की, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, जिस तरह शूट की गई है सारा, और राकेश सिंह का जैसा कैरेक्टर है, ऐसे इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया, तो ये एक नया बन है जो एक तरह से ऑडियंस को हम शो पसंद आएगा। हाँ बोलो। कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी। ये तो फिल्म अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छे नियत के लिए, हाँ इसमें भी उन लोगों को मतलब असुविधा होगी। हाँ यही था कि उन्हें लगा कि ये नेगेटिव टाइटल है, इसको शायद वाई डालने से थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन देखिए हम जितना बोल सकते हैं अभी शायद कोई हमारी बात मानेगा नहीं। आप देख लीजिए ना, जब आप मीडिया के लोग आप जब फिल्म देखोगे कुछ दिनों में, तो आप देख लो ये सही टाइटल था इसके लिए या ये सही टाइटल है वाई की टाइटल, तो फिर आप लोग ये बात उठाइए फिल्म देखने के बाद। और इनको सोशल मीडिया के थ्रू अभी एवेन्यू मिल चुका है, तनुश्री ने ये जो वेव है शुरू किया है हमारे देश में, तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, टाइगर्स तभी प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड थे और स्क्रिप्ट बन चुकी थी, हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बॉस्निया में वो स्क्रिप्ट लिख ली थी और उन्होंने जो रिसर्च किया था पहले से किया था। यहाँ से फ्रॉम स्क्रैच मैं फिल्म पे प्रोड्यूसर के तौर पर रहा हूं, तो थोड़ा और काम था इस फिल्म। यार मुझे पता नहीं क्या करेगी, फ्राइडे को पता चलेगा कि क्या करने वाली है फिल्म, बट आई होप, क्योंकि इतना पहली बार मेरा काम इतना लार्ज स्केल में प्रेजेंट हो रहा है और ऑडियंस जज कर सकती है कि मेरा काम कैसा है, मैंने क्या किया, मैंने और मैं पसंद आई कि नहीं, मुझे फिर से एंटरटेन करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो यार इस फ्राइडे को पता चलेगा कि इसके बाद क्या होने वाला, मैं भी एक्साइटेड हूँ पता लगाने के लिए। वेल यही कि फिल्म हमारी वाई चीट इंडिया 18 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, और ये हमारे बहुत ही खोखले एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम को सब हम झेल चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम इस सिस्टम से कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखते नहीं हैं, रट्टा मारने का फंडा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, इसमें एक चीटिंग माफिया है जो बाकायदा हर स्टेट में काम करती है, जो इस सिस्टम को और भी खोखला कर रही है। वो किस तरह से फंक्शन होती है वो आपको हमारी फिल्म में हम पेश कर रहे हैं वाई चीट में 18 जनवरी। थैंक यू। वेल प्रिवेंटिव यही है कि आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, अगर अडल्ट्स शराब सिगरेट्स गुटखा ये सारी चीज़ें लेंगे तो कैंसर रेट जो है बढ़ जाता है, आप ठीक तरह से उस चीज़ को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। लोग सोचते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी के पास कैंसर है तो आपको कैंसर डेफिनेटली होगा, जेनेटिक कैंसर में भाई बहुत ही छोटा परसेंटेज है, वो है 10%। जो 90% कैंसर रेट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में वर्ल्ड वाइड, वो एनवायरमेंटल के रीजन की वजह से होते हैं, जो आप एयर पोल्यूशन, खाना जो खा रहे हैं, आपकी खुराक अच्छी नहीं है, शराब, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को चेक रखिए और आपको कभी कैंसर नहीं होगा। क्योरेबल है और लोगों को आशा रखनी चाहिए। क्योरेबल है, ज़रूर है, सिर्फ दवाइयों से नहीं है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से नहीं है, लेकिन जो खुराक है आपकी, जो एक लाइफस्टाइल है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उस मेडिसिन के साथ। यही है कि फैमिली आपको सपोर्ट करें, एक तरह से एक होप दें, और अगर आपको लड़ना है तो इफेक्टिवली आप इन चीज़ों से लड़ सकते हो, एक तो दवाई से है और खुराक, लाइफस्टाइल, और बस पॉजिटिव तरीके से लड़ें, दुआएं हों, आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि आप ठीक हो जाएं और उस पर काम करें, एक्सरसाइज भी करें, तो मामला ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।
फिल्म को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, थोड़े बहुत परेशान भी हैं क्योंकि सडनली उनका नाम जो है फिल्म का चेंज करना पड़ा, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा खास था। खैर, जाते जाते आपको एक चीज़ और हम बताते चले कि भाई इमरान की ये फिल्म उनके बहुत ही अलग कह सकते हैं रोल को दर्शा रही है। इमरान जहाँ अभी कुछ समय पहले कुछ और अपने रोल्स को लेकर जाने जाते थे, अब ये फिल्म के बाद तो पक्का लोगों का नजरिया उनके नाम के प्रति बदलने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस खास प्रोग्राम में इतना ही, ऐसे ही हमारे चैनल फिल्म अड्डा को देखते रहे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। लेकिन तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्म अड्डा।